नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। श्रावण महिन्यातील नागपंचमीचा सण कुर्ला येथील मा सावित्री ज्योतिष अनुसंध केंद्र येथे मोठ्या दिमाखात पार पडला। मा सावित्री केंद्राचे डॉक्टर बाळकृष्ण मिश्रा यांच्या आयोजनात सार्वजनिक कालसर्प दोष यज्ञाचे आयोजन करण्यात आले होते। मागील 14 वर्षापासून डॉक्टर मिश्रा यांनी नागपंचमी दिनी या यज्ञाचे आयोजन करतात। यात त्यांचे पुत्र आदित्य मिश्रा व सहयोगी आचार्य सहकार्य करतात। अशा या भव्य यज्ञ सोहळ्यात शेकडो भाविक मनोभावे सहभाग घेतात। कुर्ला विधानसभेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी सुद्धा या यज्ञ सोहळ्यास आपली उपस्थिती दर्शवून बाळकृष्ण शास्त्री करत असलेल्या कार्याचे कौतुक केले आहे। गेल्या 14 वर्षापासून आणि आजचं हे 15 वर्ष आहे। या ठिकाणी सावित्री संस्थेतर्फे आज डॉक्टर बाळकृष्ण मिश्र यांच्या आणि सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने आज या ठिकाणी सातत्याने गेल्या 14 वर्षापासून हा कालसर्प आणि नागसर्प हा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला जातो आणि निश्चितपणे या विभागातले सर्व नागरिक या संपूर्ण कार्यक्रमाचा फायदा घेतात। एक धार्मिक असा हा कार्यक्रम आणि मी जेवढं शक्य होईल तेवढं गेल्या 3-4 वर्षापासून सातत्याने या ठिकाणी येतो आहे आणि बघतोय तर निश्चितपणे त्यांचा कार्यक्रम हा चांगलाच असतो। त्याच्यामध्ये अंधश्रद्धा वगैरे हा प्रकार अजिबात नाही, पण निश्चितपणे धार्मिक आणि उत्सवी कार्यक्रम ते करत असतात। तर मा सावित्री केंद्राचे डॉक्टर बाळकृष्ण शास्त्री यांनी यावेळेस महाकालसर्प यज्ञाचे महत्त्व सांगितले। संस्था जो मा सावित्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र है, ये विगत 15 वर्ष से कराता चला आ रहा है, 14 वर्ष से कराता चला आ रहा है। इस वर्ष 15वां वर्ष था। ये कोरोना काल न आया होता तो 16वां वर्ष रहता, लेकिन कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन बहुत सीमित व्यवस्था में किया गया है। हमारा ये आयोजन बहुत विस्तार से होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल को सरकारी जो नियम हैं सारे नियमों का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम नागपंचमी के दिन इसलिए किया जाता है कि नागपंचमी के दिन ही शंकर जी की प्रेरणा से एक चंद्रदत्त नाम का राजा था, उसने सबसे पहले इस पूजा को प्रारंभ किया है। शंकर जी के अतिरिक्त किसी की पूजा वो करता नहीं था। उसके पास 7 बेटे थे और नागलोक से नाग के रूप में आकर के 7 बेटों को सर्पों ने डस लिया, लेकिन फिर भी शंकर जी पूजा शंकर जी के अतिरिक्त करना नहीं चाहते थे। लेकिन शंकर जी ने प्रेरणा दिया कि नाग मेरा आभूषण है, यदि नागपंचमी के दिन कोई भी व्यक्ति नाग की पूजा करेगा, चाहे मिट्टी का नाग हो, चाहे सोने का नाग हो, चाहे चांदी का नाग हो, यहाँ पर नागों की पूजा, नव नागों की पूजा जो चांदी की बनाया गया है और दो तांबे के होते हैं जिनको मनसा देवी कहा जाता है, तो इस प्रकार की पूजा करने से व्यक्ति को पहले तो सर्प दंश से मुक्ति मिलती है और यदि पूर्व जन्म में भी सर्प के द्वारा कोई प्रायश्चित पाप हुआ रहता है उससे भी मुक्ति मिलती है और जब हर प्रकार से दुख समाप्त हो जाते हैं तो हमारे आपके विकास का प्राकृत्य प्रारंभ हो जाता है। कैमरामैन सौरभ जाधव, स्नेहा पारकर, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।